अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हम वैंस वीलोग पर खुशामदीद कहते हैं। शायद आप हमसे वाकिफ़ हैं, हमने अपने चैनल पर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की मुकम्मल तैयारी उर्दू ज़बान में फारशुल कार्ड के ताउन से करवाई थी। उसके बाद तैयारी मुकम्मल करवाने के बाद सवालात का एक सिलसिला शुरू हो गया, कमेंट्स भी आए, बहुत सारे लोगों के सवालात थे जो कि थ्योरी से हटकर जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से थे। तो हम किसी ऑथेंटिक पर्सन को ढूंढ रहे थे, हमारी कोशिश थी कि हमारे साथ कोई, बेशक किसी फॉर से रिलेटेड कोई पर्सन आ जाए हमारे सेशन में, हम उनसे वो तमाम सवाल कर सकें। तो बड़ी खुशकिस्मत ही हमारे साथ कि आज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमबुर्ग से, और खालिद साहब हमारी टीम के मेंबर हैं वैंस फी लोग के। मैं उन दोनों को खुश कहता हूँ, और मैं सबसे पहले इमरान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपना एक मुख्तसर तारुफ करवा दें, उसके बाद फिर हम उनसे सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा, यानी कि है यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है। तो मेरा नाम इमरान है, मुबारक है। तो मैं हैम्बर्ग रह रहा हूँ, मेरा स्कूल तकरीबन यहाँ पे हो गया 10 साल, 10 साल से स्कूल चल रहा है। बहुत ज्यादा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा काम है, कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर भी अगले दिन फिर फुल होता है। यानी कि आपको पता है जो सा लाइसेंस एक बहुत लाजमी चीज है जर्नी में, तो इसलिए वो हर इंसान की कोशिश होती है हम जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका फॉर्चूले है, बहुत खुशी हुई। और जो लोग हामबुर्ग में रह रहे हैं, फॉर्चूले आई ड्राइव पे ज़रूर रब्ता करें, हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे देंगे। इसी से मेरा रिलेटेड अगला सवाल है कि जर्मनी में आपने जिक्र किया ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा ज़रूरी है, तो कुछ अगर आप इस पर रोशनी डाल लें कि इसकी कितनी अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में। मेरे ख्याल में जाहिर बात है यानी कि इसके ऊपर तो ऑटोमेटिक बात है, किसी ने अगर कहीं पे जॉब करनी है, काम करना है, तो वो पहले सवाल करते हैं कि आप जल्दी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो लाइसेंस होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर गाड़ी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं होता। आजकल वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं गाड़ी आपको हम देंगे, आपने लाइसेंस जरूर करना है। तो मेरे पास लाइसेंस बहुत जरूर ज्यादा करना आते हैं, वो कहते हैं प्लीज जल्दी से जल्दी करा दें, गाड़ी मेरे पास है, उसका कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अगला सवाल इमरान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जर्मनी में जो ड्राइविंग लाइसेंसेस की कितनी इकसाम हैं? शायद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो इकसाम जिनसे मोस्टली जर्मनी आने वाले लोगों का ज़्यादा वास्ता पड़ता है। यानी कि जिसने अगर गाड़ी करनी है, ऑटो ऑटो के लिए क्लास बी है, और इसके अलावा यानी कि इतना अच्छा मौसम जर्मनी का तो नहीं है। आज अभी अप्रैल है और हैम्बर्ग में स्नो पड़ रही है, तो फिर मैं कहूंगा मोटरसाइकिल की तो इतनी जरूरत नहीं होगी। तो यानी कि ए आ जोन सी होती है क्लासे, वो सारी मोटरसाइकिल की क्लासेज हैं, और सी जोन सी होती है वो एलकावे है, और बुस डी है। लेकिन उसमें है कि अगर आपने अनहेंगा करनी है गाड़ी के पीछे, तो बी ए हो जाएगा, या सी ए हो जाएगा, या डी ए हो जाएगा। तो खैर हम कहते हैं कि मोटा वाला क्लास ने इस क्लास से बी, अब दस मिशन दिया मुस आइन ही रहा गुण फोज। अगर किसी ने सी भी करनी है एलकावे या फिर बुस चलानी है, तो उसको लाजमी है कि पहले वो क्लास से बी करे। ओके, यानी आपने बताया कि क्लास बे वो लाइसेंस की कैटेगरी है जो जर्मनी आने वाले लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल तो मेरा आपसे सवाल ये है कि दो सवाल आते हैं इस एक सवाल में, कि क्लास बे का लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? अगर मैं जर्मनी नया आया हूँ और मेरे पास यहाँ रहने का लीगल स्टेटस है, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहला। और सेकेंड मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्लास बे लाइसेंस करने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होता है, कि मुझे जेहन में रखना चाहिए कि मैं इतने टाइम में लाइसेंस कर सकता हूं अगर मुझे गाड़ी बिल्कुल भी चलानी नहीं आती। ठीक है, ये तो पूरा मुकम्मल सवाल है एक लिहाज से। तो इसमें ये है कि जाहिर बात है ये एक अगर फारशुले में आप जाएंगे बिहू में सारी बिघाटूंग होगी, तो यानी कि वो आपको तफसीलन से इसके सारी मालूमात देंगे। तो उसमें यही है, जिसने अगर लाइसेंस करना है पहले स्कूल किसी फारशुले में अनबैंड करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले हाउसवाइफ की जरूरत है। अब कोई पाकिस्तान से आता है असाइलम पे है, तो उसमें है कि कई बुंडसलैंड होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं इजाजत देंगे जितनी देर तक आप यानी के आपको ऑफन ट्रायल अलाउडनेस नहीं मिलती या बिफूगनेस नहीं मिलती। और कई कहते हैं इगाल दुआ से आओ खंसू, यानी कि आप फिर भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और फिर यानी कि सारा कुछ कर सकते हैं। उसमें कि हाउस वाइज की जरूरत है, और हाउसलैंडर अगर कोई हो मतलब गैर मुल्की है, तो उसको फिर अपनी अनमेरिड बेस्टिटिगुंग भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप फ्रैंकफर्ट वाला हैम्बर्ग आके कर ले, यानी कि आपकी क्राइस है, आपने क्राइस के अंदर ही करनी है।
यानी कि अगर हेसन सूबा काफी बड़ा है तो उसमें भी फिर क्राइस से क्राइस गनीमिगुंग चाहिए और फिर आप उधर कर सकते हैं। हामबोक वाले भी यानी कि हामबोक या फिर अगर हम मिसाल क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं फ्रैंकफर्ट जाके भी सिखा सकता हूँ या फिर मैं म्यूनिशन जाके भी सिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरे लिए मुश्किल होगा बहुत। लेकिन हम श्लेसवी होल्स्टाइन हमारे करीब है, इधर फेने बैक क्राइस में हम जाके सिखा देते हैं, वो कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल वो प्रूफ के बीट करीब है। तो खैर लाइसेंस करने के लिए आपको हाउस वाइज एस से हिल्फे फर्स्ट एड का जो सा कोर्स होता है वो तकरीबन काफ़ी स्कूलों में होता है, हमारे स्कूल में भी होता है, वो 8-10 घंटे में फिनिश कर देते हैं। इसके अलावा 2 आपकी फोटोज चाहिए बायोमेट्रिक और आई टेस्ट यानी कि जे टेस्ट जो सा होता है कि आपकी आंखें ठीक हैं, और वो जे टेस्ट यानी कि बिष्टांडन होना चाहिए, अगर उसके ऊपर लिखा है मिद पहले तो फिर उसके ऊपर लिखना चाहिए लिखा होना चाहिए बिष्टांडन यानी कि पास हुआ है। तो फिर जब आपकी प्रैक्टिकल प्रूफिंग होगी तो एनएक्स जरूर साथ होनी चाहिए, कि भी भूल जाते हैं अब वो ड्राइवर को यानी कि इंस्ट्रक्टर को नहीं पता होता कि इसकी थी या नहीं थी, तो फिर वो लाजमी है। तो फिर यानी कि इसके साथ ये सारी चीज़ें फिर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके फारशुले ही तकरीबन ज़्यादातर फिर वो यानी कि ट्विफ को भेज देता है, और ट्विफ क्या करती है उसको और फ़खे असम को डायरेक्ट भेजते हैं। फ़खे असम श्रासन फ़खे असम पे हम्बोग में एल बी फाओ है, और वो उस सारे डॉक्यूमेंट्स को यानी कि बुंडस दुखो का गाई में भेजते हैं। बुंडस दुखो का गाई जब ओके हो जाता है वो फिर आपका फ्यूरोशाइन एस्टेलिन करते हैं, नए लाइसेंस बनाते हैं, और वो फिर अगर उधर बन जाता है तो डायरेक्ट वो आपके ट्रिफ को चले जाता है यानी कि वो वाला ट्रिफ आपका लाइसेंस। और इसके साथ साथ आप अगर स्कूल में यानी कि एडमिशन कर लिया है तो आप अपनी अपनी क्लासेस ले सकते हैं, 14 क्लासेस होती हैं, तो 14 जो सी आपने उधर जाके लेसन लेने हैं, अपने पढ़ना है, वो बताते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, वो फोटोज दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं, तो काफ़ी मदद होती है। और उसके साथ साथ आपने ऐप के अंदर तैयारी भी करनी है, पहले मैंने तो यानी कि वो लगा खुद ही यानी कि वो लगाते होते थे निशान, ये गलत है ये सही है, अब तो ऐप पे बहुत आइनफाक है, लोगों को हर जगह पे यानी कि बैठ के बैठ सकते हैं, और साथ साथ आप यानी कि गाड़ी भी चला सकते हैं, ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि नॉर्मली कई बहुत होते हैं क्लेवर यानी कि वो काफी कोशिश करते हैं बाकी लगे रहते हैं और वो 2-3 माह में फिनिश हो सकते हैं। अगर लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो अब कहते हैं पहले हमने पहले सिर्फ थ्योरी पास करनी है उसके बाद हम गाड़ी चलाएंगे, ठीक है ना, और नोमाला वैसे तो गिजेट्स जो गिजेट्स कहता है कि यानी कि दूसरों दोनों तीनों चीज़ों को इकट्ठे करना है ताकि आपको समझ लगे अगर आपने थ्योरी में पढ़ा है कि सेबरा क्रॉसिंग आ रही है क्या करना है, तो वो अगर गाड़ी चलाएगा हम कहेंगे पहले ही एहतियात करो, रेस को छोड़ो, ब्रेक पे पाँव रखो, ढूंढो कहाँ पे है फूस कहेंगा रटफारा और सारे ना, फिर उसके मुताबिक हमने आगे जाना है, तो फिर उसको ज्यादा समझ आएगी इस चीज़ की। तो यानी कि 6 माह लग जाते हैं, लेकिन जाहिर बात है अब कोरोना की वजह से तो बहुत मसला है ना, इतना सब कुछ साथ साथ करना। बिल्कुल अच्छा अगले सवाल साहब मैं आपसे करूंगा, कुछ लोगों के पास पहले से अपने हाइमट लैंड अपनी कंट्री से एक ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उसको वो कन्वर्ट करवा लें, जिसको अगर मैं जर्मन में कहूँ तो उमश्राइबन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली आप जरा इस प्रोसेस को थोड़ी रोशनी डाल दें कि उमश्राइबन क्या है और इसमें कितना वक्त है और ये कितना मुख्तलिफ है आम लाइसेंस से। या उमश्राइबा वैसे यानी कि नॉर्मली तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वाकई किसी ने किसी दूसरे मुल्क में गाड़ी चलाई है तो उसमें है कि वो फिर इधर आएंगे लेकिन उन्होंने सीधा स्कूल में नहीं आना, उन्होंने सीधा एल बी एफ ओ जाना है में अपने लाइसेंस को लेके। कई अब वो 16 बुंडसलैंडर हैं यानी कि वो मुख्तलिफ हर एक के थोड़े थोड़े हैं यानी कि रेगन, वो ज्यादा कुछ कहते हैं कि इसको उबर जैसुन करके लेके आओ कि हमें पता भी लगे ये बाकी लाइसेंस है ये क्या है, वो फिर आड़िया से उबर जैसुन कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे फास्टबिल्डर लेके उनके पास जाना है, वो फिर 90% तो कह देते हैं ओके ठीक है, अब मुझे नहीं पता यानी कि वो क्या चीजें बिल्कुल देखते हैं, अब कौन से मुल्क का करते हैं अनगिनोम किस मुल्क का नहीं करते। और उसमें फायदा ये है कि आपका जो सा 2 साल का प्रोबेसाइट होता है वो नहीं होगा, तो और आपने जो सी थ्योरी की क्लासेस नहीं लेनी है वो नहीं है, और वो मोटरवे ऑटोबान और ये सारे जो से 12 आपने बाद में फास्ट लगाने उसकी भी जरूरत नहीं होती। लेकिन मसला यही है कि
कि आपने एग्जाम तो फिर भी देनी है, दोनों आपने प्रूफिंग देनी है, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी। और नॉर्मली अगर आप क्लासेस में चले जाएं तो आपको ज्यादा यानी कि पता लग जाता है, तो फिर बाद में यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनको जैसे जैसे कहते हैं ना पत्थर पे लकीर हो, वो इतनी चलाक चलाक के यानी कि वो मसला होता है उनके लिए बहुत ज्यादा। फिर इधर क्लियर करना, इशारा हमारा ग्रीन होता है, वो ब्रेक लगाते हैं, मैं पूछता हूँ ब्रेक क्यों लगाई है, वो कहते हैं वो कोई आ सकता था, मैंने कहा इधर नहीं कोई आता था, ये पैराग्राफ 1 स्ट्रासन फेकियस ऑर्डनम यू मस्ट इमा फोर्स इज डिजाइन वर्क्स इज डिजाइन अब अभी हम ऑफ फेट्राउन, यानी कि हम दूसरों के ऊपर इत्माद है हमें कि अगर कोई नहीं आएगा, अगर हमारा ग्रीन है तो वो आएंगे नहीं, उन्होंने भी लाइसेंस किया है, लेकिन वो मसला होता है बाद में फिर उनको सिखाना कि सारा कुछ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत यानी कि अगर वो क्लासेस में आ जाए, मैं तो सबको दावत देता हूँ कि आके क्लासेस में बैठे ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम बता रहे हैं और या ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा इमरान साहब इससे रिलेटेड एक और सवाल है उमेश आइबुंग से कि कुछ लोगों के पास अगर लाइसेंस मौजूद है इंटरनेशनल तो क्यों क्या वो जर्मनी आकर कुछ अरसे गाड़ी चला सकते हैं? कुछ लोगों का ये बड़ा सवाल होता है, हमारे पास इंटरनेशनल फ्यूरोशाइन है या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, क्या उनको परमिशन है जर्मनी में आके कुछ अरसे गाड़ी चलाने की उस लाइसेंस के साथ? जी जी बिल्कुल, वो यानी कि 6 आ सकते हैं, वो अब उनके लाइसेंस के ऊपर होता है, क्योंकि अब यानी कि यूएसए है वहां पे कई यानी कि बुंडे स्टेट है उनके, उनको इजाजत है चलाने की कंप्लीट और कईयों की नहीं है। अच्छा। अब हर मुल्क का अपना अपना अलहदा है, यानी कि 1 साल तक भी इजाजत होती है, कईयों को सिर्फ 6 महीने के लिए मिलती है, अब वो उनको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा मुल्क है और कैसे उनको इजाजत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इमरान साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड है मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं लाइसेंस शुरू करने से पहले कि अगर एक नॉर्मल क्लास से भी लाइसेंस करना है तो इस पे आम तौर पर कितना खर्चा आ जाता है? हो सकता है ये स्कूल टू स्कूल और सूबे टू सूबे भी वेरी करता हो, लेकिन कोई आप हमें आइडिया बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? जी नॉर्मली जो आजकल ग्राउंड प्राइस है ना, जिसमें ग्राउंड प्राइस के अंदर आजकल खास तौर पे यानी कि उसमें 14 क्लासेस जो सी होती हैं स्कूल में बैठकर यानी कि आपने आपने देखना है वो स्टूडेंट क्या यानी कि आपने क्या लर्निंग करना है, तो वो है तकरीबन 300 यूरो के करीब होता है, वो सिर्फ अनमेल्डिंग एडमिशन होता है, एडमिशन में सिर्फ आपने थ्योरी की क्लासेस लेनी है और उसमें थ्योरी का एग्जाम भी कोई कर लेते हैं, कोई कहते हैं उसके 25-30 यूरो अलहदा दो ऐसे, यानी कि 300 यूरो ये हो गए। और तकरीबन जो यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर मिसाल के तौर पे कोई 18-19 साल का लड़का लड़की है जो जर्मनी में स्कूल गए हैं, क्योंकि आपको ये अंदाजा करना चाहिए कि जो जर्मन में अगर पैदा हुआ है जर्मनी में पैदा हुआ है तो उसने पहले यानी कि किंडरगार्टन में उनको बताया जाता है कि तुमने रोड पे खड़े होना है, ग्रीन पे जाना है, तो फिर अगर वो स्वाइटे दरीटे क्लासे में यानी कि पुलिस आई लोद से आ जाता है उसके साथ, वो स्ट्रासन फेकिया में उसको बताते हैं एसमागेस्ट कोकन तनलिंग्स कोकन ऐसे, यानी एक एक चीज़ उनको बताते हैं, फिर वो मूफा शाइन भी करते हैं स्कूल में एक यानी कि उनको पूरा ये बोगन जो सा होता है ऐसे का ऐसे नुमा का कुछ चीज़ वो देते हैं कि आपने क्लासेस में मैंने यानी कि मैंने सारे ये प्रोसीजर खुद किए हुए हैं। तो स्कूलों में कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाया हुआ है और ऐसे ना, तो उसके बाद यानी कि मैं ऐसे एक नॉर्मली जो सा यानी कि 18 साल का अगर कोई लड़का या लड़की है तो वो मैं कहूँगा कि उसको 30 घंटे चाहिए होते हैं, उसमें यह है कि 30 यानी कि फास्ट रूडे चाहिए होते हैं, उसमें इंक्लूडेड यानी कि जोंडा फार्टन भी है, लंच से आउटोबान डुंकल हाइट्स फार्ट वो स्विल्फ स्टूडेंट होते हैं। नॉर्मली मेरा कोशिश होती है कि 12 घंटे में मैं उनको ऐसे थोड़ा बहुत फिट कर दूँ कि गाड़ी वो खुद संभाल सकें और गाड़ी खुद संभाल सके, थोड़ा बहुत उनको 4 फार्ट का पता लगे, मेरी प्रायोरिटी है, मेरी स्टॉप शील्ड है, मैंने गिव वे करना है, मैंने मुड़ना है राइट, मैंने साइकिल वालों को मगर फुटपाथ पे जो उनसे पैदल चलने वाले उनको भी मैंने रास्ता देना है, जब मुझे पता लग जाए थोड़ा बहुत ईजी हो गया 12 घंटे में तो फिर मैं कहता हूँ कि फांग में जोफर में जोंडा फाटना, अब 12 वो हो गए 12 जोंडा फाटन होगी, उसमें फिर जोंडा फाटन जब उसकी फैटिश हो जाती है लंच पास आउटोबान ऑन द डुंकल हाइट्स फाट, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि 24 घंटों तक वो काफी हद तक परफेक्ट यानी काफी हद तक अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो प्रूफिंग सराइफे टेस्ट है ना कि उसको आप प्रूफिंग के लिए कि उसने कोई गलती ना करे, और वो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो अब डोपेशिया काफी सारी चीजें हैं उस पर, फिर उसको बहुत ज्यादा तवज्जो करनी होगी, समझना पड़ेगा कि वाकई कोई इधर गलती हो सकती है मुझसे, तो मैंने और केयरफुल होना है और मैं जिम्मेदारी लेनी है, मुहतात होना है।
यानी कि 2000 यूरो मैं कहूंगा कि मिनिमम है। और अगर आपका अगला सवाल है कि ओम शाही को कितने पैसे चाहिए, तो मैं कहूंगा उनका भी कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि ओम शाही पर तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं और वो यानी कि गाड़ी दूसरे मुल्कों में अच्छे तरीके से सीख के आए होते हैं, उनको पता होता है कैसे चलाना है, और उनको 4-5-6 दफा चलाते हैं तो वो जल्दी से फिनिश हो जाते हैं, और कईयों को 35-40-50 घंटे लग जाते हैं, और वो फिर फेल भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास तो लाइसेंस है, मैंने तो एग्जाम में जाना है। और मैं कहता हूँ मेरी कोशिश, हर टीचर की मेरे ख्याल में यही कोशिश होती है कि मैं उसको पहली बार में फिनिश करूं, क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे भी इतने सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं, और ए निकलेगा तो दूसरों के लिए जगह बनेगी। तो मेरे ख्याल में कोशिश तो यही हर एक की यही होती है कि सही तरीके से यानी कि सिखानी है और फिर इसको फिनिश करना है ताकि निकले आगे। इमरान साहब आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो उन ऑडियंस के बारे में जो हामबुक से काफी दूर रहते हैं और वो अपने करीबी इलाके में किसी ड्राइविंग स्कूल का इंतखाब करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में आप उनकी किस तरीके से रहनुमाई करेंगे कि किसी भी स्कूल को सिलेक्ट करते हुए या उसका इंतखाब करते हुए किन किन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए? या उसमें यही है कि अगर टीचर तो आप उनके साथ अगर आप यानी कि काफ़ी लौका होकर वो लौका एटमोसफेयर है वो समझा रहे हैं और आप यानी कि समझ रहे हैं, उसमें बात यही होती है ज़्यादा स्टूडेंट ना मैंने जो फील ज़्यादा किया उनकी यही होती है कोशिश कि हमने जल्दी से जल्दी एग्जाम में पहुंचना है, और वो फिर प्रूफिंग में फेल हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं ये स्कूल नहीं अच्छा। नॉर्मली तो मेरे ख्याल में 80% मैं कहूँगा कि स्कूल ठीक होते हैं, 20% वाकई थोड़े से बैड भी होते हैं, बाकी उनके लुस नहीं होती या फिर वो कहते हैं ओके 10 शवीगी का फल इसके लिए इसके साथ मेरे साथ यानी कि चलना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे हेडेक हो रही है ये वो, लेकिन नॉर्मली मेरे मुताबिक उसमें यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो आपको बता रहे हैं आप खुद नहीं कहें कि मैंने प्रूफिंग करनी है ना, मसला यही होता है फिर वो फेल होते हैं फिर कहते स्कूल गलत है। और ऐसे अब उसमें यही है कि यहाँ फिर किसी के पास अगर है, अगर आपने स्कूल ले भी लिया है कोई भी लिया है, अब उसमें क्या कह सकते हैं, वही है ना कि बिल्ली थैले के अंदर है और तो बाद में पता लगता है कि बिल्ली उसमें आके फिर आपको या फिर खुद जब आप चलाएं तो किसी भाई को साथ ले जाएं या यानी कि कोई गाड़ी चलाता है तो फिर वो अंदाजा कर सकता है, या फिर वहां पे जरूर जाना चाहिए जहाँ पे बाकी दोस्त जा रहे हैं और पास हो रहे हैं और वो कह रहे हैं वेरी गुड, यानी कि अब अंदाजा कर ले हमारे स्कूल में, यानी कि मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ अब 10 साल हो गया मैंने कभी कोई वेरमूंग ही नहीं की। अच्छा। वो अब 10 टीचर है मेरे साथ काम कर रहे हैं कोशिश बस यही है कि हर एक को पास कराना है और है कि वो अगर साथ चलेगा, जाहिर बात है हमारे स्कूल से भी दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं काइंड प्रॉब्लम, लेकिन उसमें यही है ना अगर वो मुझे ये अंडर प्रेशर नहीं कर सकता कि मुझे प्रूफिंग पे लेके जाओ, फिर मैं कहूंगा यार आप नर्वस कर रहे हो फेल हो गए, फिर मेरा भी सारा दिन गया ना कि मैं आज फेल हो गया हूँ, वो नहीं फेल हुआ मैं अपने आप को कहता मैं फेल हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और चीज है कि अब ये नया कानून आया है 1 अप्रैल से आया वो ये है कि यानी कि अब ऑटोमेटिक गाड़ी है ना जो सी आपने यानी कि आपने जो सी पहले 10 घंटे यानी कि गियरों के साथ चलानी है, और फिर उसके बाद अगर वो प्रूफ अगर फाल एरा कहता है कि काफी हद तक तुम्हें क्लुपलों की ऐसी इसकी समझ आ गई है तो रेस्ट हाउस बिल्डिंग आप यानी कि ऑटोमेटिक के साथ चला सकते हैं और प्रूफिंग भी ऑटोमेटिक के साथ चलाएंगे और आपको नॉर्मली लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा वो ऐसे भी हो सकता है पहले के मैंने 10 घंटे थोड़ी देर में आपके साथ ऑटोमेटिक चलाऊंगा, उसके बाद 10 घंटे में आपके साथ शाल्टुंग वाली गाड़ी चलाऊंगा मैनुअल और फिर वो जोंडा फार्न और प्रूफिंग साइफ है। ठीक तो फिर आज प्रूफिंग भी आपकी ऑटोमेटिक के साथ होगी और बाद में जो आपको आपको लाइसेंस मिलेगा वो आपको दोनों वाला मिलेगा, उसमें सिर्फ वो एक श्लिसल नुमा फिरोशन के पीछे उठा सिर्फ स्विफ्ट B197 जाएगा और B197 का मतलब यही है कि आपने एक फिरोशन की है डुआल गितखीबे यानी कि ऑटोमेटिक उठ शाल्टोंग आप आइन हाकन यानी कि एक उसमें है थोड़ी सी उन्होंने कहा है कि जो अगर यानी कि ये वाली आउसबिल्डिंग करता है B107 और उसने वाइटर है क्लासन के लिए आउसबिल्डिंग करनी है BA ओडा CA तो दंड आफे नू ऑटोमेटिक में हूं
वो फिर ऑटोमेटिक, वो क्या हमारे लोग तो ज्यादा नहीं करते कि कोई अनहंगा के साथ करे दोबारा बार में रसी ए, नॉर्मली तो सारे यही कह रहे हैं वी वॉलन अन बे ए अन बे हुनर जीव नॉन सिठाई ने। अच्छा इमरान साहब, अगला सवाल वो ये है कि कुछ लोग जर्मन जबान से वाकफियत नहीं रखते और यहाँ पर आके थ्योरी पास कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी आपको पता है 10 से 11 जबानों में अनबिटन होती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस में जाने से पहले हमें भी काफी सवाल आए थे लोगों के जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट की, कि प्रैक्टिकल क्लासेस में फॉल्ट एरर कौन से अक्सर ऐसे कॉमन वर्ड इस्तेमाल करता है या जुमले जो मैं पहले ही सीख लूँ, या फिर क्या वाकई मुश्किल पेश आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग को कि वो जर्मन में प्रैक्टिकल स्टूडेंट करते वक्त उसको वाकई क्या मसला पेश आता है, या कौन से कॉमन अल्फाज है जो कि नॉर्मली आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर कुछ रोशनी डाल दें। उसमें यह कि वाकई बात सही है कि अगर मिसाल के तौर पे यानी फास्ट रीडर अगर प्रूफिंग उसकी है प्रैक्टिकल प्रूफिंग और वो यानी कि प्रूफा को समझ समझ नहीं रहा तो वो उसे कह सकते हो कि इफा में दिया नहीं, और वाकई ऐसे हुआ भी है होता भी है, वो कहते हैं कि तुम मुझे समझ ही नहीं रहे, मैं तुम्हारे साथ आज प्रूफिंग नहीं चलाऊंगा। वो इस मिसाल के तौर पे वो कह सकता है कि माख मबते नीबल श्लूस लौजते हैं, अब हम तो उसकी तो काफी हद तक तैयारी कर लेते हैं। अगर वो कहेगा वी फील प्रोफील थी फे मुस दिस इज आउट ऑफ हाबन ना पूरा अलगमाइन आई कैन आउट जान या माख मा कैन साइन बलोस्टंगान नंबर प्लेट की नंबर प्लेट चाहे और ऐसे ये वाली बहुत सारी चीजें हैं जो से गाड़ी में अपफास कंट्रोल से कहते हैं ना कि गाड़ी प्रूफिंग स्टार्ट करने से पहले वो तीन सवाल करते हैं और रुक स्ट्राला ना वो यानी के खतनाउंग से ऐसे होती हैं, तो खैर वो गाड़ी में भी दिखाया जा सकता है, तो वो वाले ऐसे सवाल करते हैं और फिर कहते हैं ओके अगर ये आपने पास कर लिया तो फिर वो कहते हैं ओके बैठो अब। फिर उसके बाद नॉर्मली यही है कि वो कहता है कि जैसे फास्ट रुंडे है गिनाउस और फान दिया वेनी निश्त आगे फान से इमा गारियाउस और इस आगे रेक्स अब बीगन अब बीग मुड़ना है लिंक्स अब बीग लिंक्स मुड़ना है, या फिर वो कहता है फास्ट राइफन वेक्सल। फास्ट राइफन वेक्सल का तो यही मतलब है कि आपने अपनी लाइन चेंज करनी ट्रैक चेंज करें तो फिर जाहिर बात है सारा कुछ देख कर, और इसके अलावा भी वो उम खेरन होता है कि रास्ता हमने हमने फिर वापस जाना है, यानी कि आप मोड़ के लेके आओ लेकिन उसमें है कि आपने अगली सड़क या फिर अगली आउटफाट है सड़क पे कभी यानी कि रेक्स वार्निंग्स भी होता है उधर देखना है फिर उम खेरन करना है वापस आना उड़ा फागा लेल सुबोटस्टाइन ना पैरालेल इन स्ट्रासे गए ना पैरालेल फिर जाना है और अभी वन फाकन या तकरीबन यही वर्ड्स है, इतना ज्यादा नहीं यानी कि बात होती बात नॉर्मली वो अगर पहले समझा दिया जाए कि आपने सिर्फ ना और उस रेक्स लिंक्स जैसे यानी कि हम बताएं वो बताएगा आपको तो उसके मुताबिक आपको पता ही है, तो नॉर्मली तो इतना यानी कि गाड़ी में जब वो स्टार्ट हो गई है फिर मेरे अंदाजे से उसके बाद ज्यादा मसला नहीं होता। हाँ जाहिर मसला तो वही होगा ना अगर वो फॉल्ट करेगा कोई गलती करेगा बड़ी, यानी कि अगर उसने रेस्ट और लिंक्स नहीं देखा स्टॉप शेल पे सही तरीके से राइफल स्टिल स्टैंड नहीं हुआ तो फिर ही यानी कि जाहिर बात है फिर प्रूफिंग फेल होगी। बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, एक और सवाल जो कि पिछले सवाल से रिलेटेड है, माशाल्लाह आपने काफी सारे लोगों की प्रूफिंग भी स्टैंड हुई है आपके फाश होले से, तो आपके तजर्बे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वाकई जर्मन का लेवल थोड़ा कम था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल भी स्टैंड किया, तो आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद है? वो होते हैं जाहिर बात है बहुत ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा यानी कि वो यानी पास हो जाते हैं, उसमें यही होता है ना कि पहले उनको समझा दिया जाता है उनका भी उनको भी होता है कोशिश के जो यानी कि हम कह रहे होते हैं उसके मुताबिक वो चलते हैं, हम यानी कि पहले शुरू शुरू ही कर देते हैं अपफास कंट्रोल का कि मामा अले बिलोस्टंगन हम, अगर मैं अगर उर्दू में कहूंगा प्रूफा ने आगे उर्दू में तो नहीं ना कहना हम भी फिर जर्मन में ही कहते हैं नुमाला से मैं यानी कि पूरी कंप्लीट हाउस बिल्डिंग में यानी कि वही वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ जो प्रूफा इस्तेमाल करता है, यानी कि मैं नहीं उसे कह रहा आगे सजे हुई हूँ लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए, मैंने भी ये कहना ओके वी वांट नेक्स्ट लिंक्स आर बीइंग अगर मैंने उसे जो प्रूफ पूछता है यानी कि पास हो जाते हैं कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन उसके मुताबिक चलना पड़ेगा ना कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसके मुताबिक वो तैयारी होनी चाहिए फिर पास हो जाते हैं। ठीक है Okay. इमरान साहब मेरा सवाल है, हम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ सवाल रह गए हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिकल प्रूफिंग है वो आपने देखी है, आप उनके स्टूडेंट्स के साथ थे, वो कौन सी ऐसी बुनियादी गलतियां हैं जो बार बार स्टूडेंट्स जो हैं वो रिपीट करते हैं और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं?
वैसे ज्यादा तो गोश्त में यही है कि फेकेस बोबाख्तों, यानी कि मुताद नहीं होते जब उन्होंने मुड़ना हो या क्रॉसिंग और मोड़ आ रहा है, चक्कर आ रहा है ऐसे ना, तो वहां पे वो यानी कि फूसकेंगा और राठफारा को नहीं देखते। खास तौर पे साइकिल साइकिल का मसला है बड़ा खास। हम वो गोशाद है, हम इधर अल्टोना बहुत बड़ा यानी कि फकिया है, तो इधर बहुत ज्यादा इनका ट्रैफिक है, तो वहां पे वो लेफ्ट मुड़ते हैं राइट मुड़ते हैं, दो ट्रैक से मुड़ने वगैरह लेफ्ट में चले जाते हैं, लेफ्ट में से राइट में आ जाते हैं, वहां पे उसी वक्त प्रूफिंग खत्म हो जाती है। तो खास तौर पे आइनबन वन वे में जब आइनबन श्रासे, वो कंप्लीट नहीं आइन ऑर्डन करते, बल्कि कभी कभी आइनबन श्रासे साइकिल वाले आगे से आ सकते हैं वन वे में, तो वो फिर फुल लेफ्ट चले जाते हैं और आगे से साइकिल आ रहा होता है, वो कहता है कि वहां पे तो साइकिल का रास्ता है, यानी को सारी चीजें दिखानी होती हैं, समझानी होती हैं फिर उसके मुताबिक। वरना जाहिर बात है प्रायोरिटी या फिर लाइट्स हो या फिर स्पीड का मामला हो, वो तो बिल्कुल नहीं माफ करेंगे ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये घोस्ट फेलर है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब वो नियम है उनके पास भी टैबलेट होता है, वो टैबलेट में भी है कुछ चीजें अगर अच्छी करें उसके उनको प्लस पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर बड़ी गलती है उसी वक्त स्टॉप है, उसी वक्त गेम ओवर है ये। लेकिन उस वो यानी कि अगर किसी जगह पे मिसाल के तौर पे उन्होंने सही तरीके से ब्लिंका दिया नहीं, ब्लिंका ही भूल गया है यानी कि इंडिकेटर ना, तो वो फिर अब माइनस हो जाएगा, अब 5-6 दफा माइनस 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 होगा, वो तो पता है फिर वो फिर बड़ा ही माइनस हो गया। तो बिल्कुल मैं यानी कि छोटे छोटे उनके पास पॉइंट होते हैं, अगर वो अब नया ये खटा लोग यानी कि एस एस से शुरू हुआ है तो उसके मुताबिक ही यानी कि वो अब चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि प्रूफिंग भी अब 55 मिनट्स की हो गई है, पहले 45 मिनट्स की थी, अब 10 मिनट ज्यादा है, लेकिन उसमें 10 मिनट ज्यादा गाड़ी नहीं चलाते बल्कि 5 मिनट जरा ज्यादा है, 5 मिनट उनके पास ज्यादा टाइम होता है, वो फिर पूरी प्रोटोकॉल देख कर बताता है कि क्यों आप फेल हुए और क्यों क्यों पास हुए हो, सारी प्रोटोकॉल पे ये गलतियां की हैं, वो अब बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं कि स्टूडेंट को समझा सकें कि हमने 35-50 मिनट या 45 मिनट तकरीबन गाड़ी चलाई, आपने क्या गलतियां की हैं, किस चीज के ऊपर आपको ज्यादा गौर करना चाहिए आगे जाकर भी, वो फिर आपको ईमेल के जरिए पूरी प्रोटोकॉल भेजते भी हैं, आपका ईमेल लेके स्टूडेंट का उसको भेजते हैं। अच्छा ओके मेरा अगला सवाल ये है कि इमरान साहब के बाज दफ़ा इस तरीके से होता है कि हम में से हम या हमारा कोई दोस्त जो है वो इम्तिहान में फेल हो जाता है और वाकई ये कहता है यार जो प्रूफर इम्तिहान लेने वाला आया था ना वो ठीक नहीं था, वो मुझे पहले से गुस्से में लग रहा था, उसने मुझे गुस्से में देखा। मतलब ये वो क्या सराई है, मैं बदगुमानी तो नहीं कहूंगा लेकिन क्या सराई है कि जो लोग हमारे करते हैं मोस्टली कि यार प्रूफर अच्छा नहीं था उसको देखते मुझे पता लग गया वो फलाना जो है ना वो ज्यादा अच्छा है, तो क्या ये प्रूफर पे भी डिपेंड करता है कि वो बगैर किसी वजह के किसी को फेल कर दे या उसका मूड इतना इनसार करे किसी को पास या फेल करने में, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं नॉर्मली ऐसे तो नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मली अगर वो गलती यानी कि अगर स्टूडेंट ने गलती नहीं की और वो कहे कि आपने गलती की है, और मैं फिर कहूंगा कि ये वाला काम तो फिर मैंने क्या सिखाया इसको, वो तो मैं भी फिर उसके दरमियान में आ जाऊंगा ना, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, उसमें गलती उसकी जरूर होती है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कोई प्रूफ है थोड़ा सा हार्ड होता है कोई थोड़ा सा नरम होता है, लेकिन फिर भी उनका एक लेवल एक ही है कि अगर कोई गलती करेगा तो उस वक्त फिर शाइन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कहीं कहीं पे थोड़ी सी आंख बंद कर लेता है कि तो आगे देखते हैं क्या करता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं है कि वो बहुत अनफेयर हो, नॉर्मली वो उनकी कोशिश यही होती है कि अगर ये सही चला रहा है तो मैं इसको लाइसेंस दूंगा, और वहां पे हम सख्त भी आए थे और बहुत रेडिकल सख्त भी थे, और उन्होंने भी लाइसेंस दिया जब मेरा स्टूडेंट गुड था, अगर वो नहीं देगा ना तो टीचर जरूर कहेगा कि नहीं फिर मेरा सिखाने का क्या फायदा, वो फिर उसके दरमियान में आके वीटो लेन करता है, और हमने कभी यानी कि फिर उसी का हम वो वाली चीज यानी कि एक दफा प्रूफिंग में नहीं रह जाती, वो फिर अगली प्रूफिंग में दूसरे प्रूफ को बताई जाती है कि उसने ऐसे किया, वो फिर उससे पूछते हैं, ये पूरा यानी ठीक कि है सिस्टम है, यानी कि वो ग्लाउबविडिश खाइट डॉशन में बहुत ज्यादा है कि एसमुस प्लाउजिबल जाइन, प्लाउजिबल यानी कि ऐसे होना चाहिए कि दूसरे को आपने मसले में नहीं डालना। अब मैंने तो मेरे यानी कि 10 साल में हुआ है, वहां पे हम भी कभी गलत रिएक्ट कर देते हैं प्रूफ को, कहते हैं क्यों किया और बाद में कहते हैं बाकी गलती तो थी ना, हम बेफजूल स्टूडेंट की साइड ले रहे थे, अब वो मेरे खिलाफ मेरे ऊपर क्या सोचेगा कि मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया, वो दूसरा प्रूफ भी आके कहता है या है हम दसवान शकूर दस हम दिन फिर उससे बात कर लेते हैं, तो
फिर ओके हो ही जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो फुल यानी कि वो किसी लड़के के खिलाफ हो, ये वो काम मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होता इससे। ओके okay. ये जो हमारा जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो क्लास बे है, क्या ये पूरे दुनिया में वैलिड होता है जो नॉर्मल लाइसेंस होता है, या हमें इसको इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले? नहीं, नॉर्मली तो यानी कि यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस जो सा है पूरे यूरोप में तो चलना ही चलना है, लेकिन ऐसे ममालिक हैं जैसे दुबई यूएई में, या फिर मेरे ख्याल में अमेरिका में भी, या कनाडा में, अगर आपने गाड़ी हायर करनी है वो कहते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस दे दें। नॉर्मली मेरे ख्याल में सिर्फ यूएई ही है इस वक्त, या ऑस्ट्रेलिया में होगा कि वो कहते हैं कि अपना यानी कि इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आओ इसके साथ, वरना यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस बिल्कुल कबूल किया जाता है हर जगह पे, माना जाता है। मेरा मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल होगा, अगर ताहिर ने कुछ करना हो तो पूछ ले। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आप वन वर्ड क्या आंसर देंगे कि क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे, मैनुअल या ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी चाहिए, मतलब किस पे हमें लाइसेंस करना चाहिए? बाज लोग के जहन में आता है यार मैं क्यों मैनुअल पे करूं, बाज कहते हैं नहीं ज्यादातर जहाँ काम करते हैं हो सकता है फिर्मा की गाड़ी सारी मैनुअल हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, कि ये बहस हमारे दरमियान हमेशा रहती है। नहीं, वही मैंने कह रहा हूँ ना, B100 Z9 से जो नया गैजेट आ गया वो यही है कि आप 10-12-15 घंटे लगा लें उसके साथ, उसके बाद अब उस उतने टाइम में वैसे ही आपको रूल समझते वक्त ना टाइम लग ही जाता है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपने ऑटोमेटिक पे आ जाना, ऑटोमेटिक के साथ आपने यानी कि प्रूफिंग भी देनी है, अब तो यानी कि एक लिहाज से ईजी हो गया, यानी कि मेरे ख्याल में B100 Z9 से परफेक्ट। अगर कोई कहता है कि मैं यानी कि, या कोई औरत कहती है कि मैंने सिर्फ एक गाड़ी लेनी है वही बस मेरी रहनी है और मैंने कभी नहीं किसी से गाड़ी लेके, लेकिन अगर कोई यंग लड़के हैं उनको क्या पता कल को उन्होंने अगर मिसाल किसी भाई की गाड़ी चलानी, किसी और की चलानी जल्दी है, तो फिर होना चाहिए पूरा लाइसेंस, बेहतर है ना। जाहिर बात है अगर हम फ्यूचर में देखें 10-15 साल 10 साल के करीब करीब मेरे ख्याल में, और इसका मैनुअल का तो दौर खत्म हो रहा है ना एक लिहाज से, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो सी सारी ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन खैर मेरे ख्याल में तो अगर किसी ने मैनुअल किया वो अपने बच्चों को बता सकता कि मुझे मैनुअल भी चलानी आती है क्या नहीं बिल्कुल इसको चलानी हरारी होगी यानी तो वो कहेंगे वाओ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इमरान साहब, एक आखिरी सवाल, जो हमारे सुनने वाले आपको हैम्बर्ग से देख रहे हैं और फार्शुले आई ड्राइव ज्वाइन करना चाहते हैं इस वीडियो के बाद, तो क्या आपके पास अभी प्लाट्स है, या मतलब आप उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहेंगे, आपके पास इनफ गिनो प्लाट्स है कि आप उनको टैकल कर सके, और एग्जैक्टली गिनाओ थोड़ा बता भी दें आपका फार्शुले किस जगह मौजूद है ताकि सुनने वाले आपसे कॉन्टेक्ट कर सके? यार जगह तो है नॉर्मली है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि मैंने 1-2 माह के अंदर अंदर फिनिश करना है वो फिर मैं कह दूंगा सॉरी वो तो नहीं हो सकता, टाइम निकाल के आना है उसमें के 3-6 माह के अंदर, अगर आप भी थोड़ा बहुत हमारे साथ चलेंगे यानी कि अगर आप थ्योरी पास करेंगे जल्दी से साथ साथ गाड़ी चलाना चाहते हैं पहले हफ्ते में एक दफा कम अज कम तो हम लाइसेंस देंगे फार्शुले, तो उसके मुताबिक चल सकते हैं ना। वैसे फार्शुले आई ड्राइव आई लिशा प्लस नंबर सेन है ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके साथ ही खालिद साहब, अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ शुक्रिया कहना चाहूंगा इमरान साहब को, आपने बहुत अपने कीमती वक्त में से हमारे ऑडियंस के लिए अपने टाइम दिए, और इतने फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, मतलब इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आई है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं भी सोचा था करने के वो भी मैंने आपसे आज कर लिए। कोई मसला नहीं, फिर हम कर लेंगे कोई बात नहीं, गाड़ी के मतलब कुछ करना होगा वो भी कर लेंगे, कि वो फर्स्ट कंट्रोल क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान साहब आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, तो सुनने वालों आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कोई भी कमेंट कोई भी क्वेश्चन हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे, हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। इमरान साहब, खालिद साहब, मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा, और सुनने वालों इसके साथ ही हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।